अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरप सैलून से आज मैं आप लोगों के लिए फेस पैक लेकर आई हूँ। फेस पैक ये एंटी एजिंग भी है, ये जिनके ओपन पोर्स हो जाते हैं उनके पोर्स भी क्लोज करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और एक जान सी ले आएगा आपके जो है ना स्किन के अंदर। वो हम उन उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये आप जैसे देख रहे हैं सौंफ है। सौंफ ओपन पोर्स क्लोज करती है और स्किन को यंग करती है। ये बूटॉक्स के जिसको हम बूटॉक्स कहते हैं, ये हम सौंफ की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें हमें हल्दी चाहिए। हल्दी जो है ये हमारी एंटीबायोटिक है और ये हमारी स्किन को हील करेगी। और इन सब को बाउंड करने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी चाहिए हमें और इन सबको मिक्स करने के लिए हमें चाहिए दूध, जोजोबा ऑयल और शहद। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये पाउडर मैंने सौंफ को ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, पीस के पाउडर बनाए हैं। फिर इसको मैंने एक छाननी के साथ छान लिया है ताकि जो इसके मोटे मोटे चंक्स हैं वो ख़त्म हो जाए और ये देखें पाउडर की शक्ल में हो गया। इसको हम कैसे बनाएंगे, इस फेस पैक को हम एक चम्मच हम लेंगे सौंफ का, बल्कि हम हाफ चम्मच लेंगे, एक चम्मच ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ें मिलते मिलते हमारा। मैंने हाफ चम्मच ली है सौंफ पिसी हुई, हाफ चम्मच हम लोग लेंगे हल्दी। ये हमारी स्किन को हील करेगी, ये कैल्शियम का सोर्स है हमारे पास। हल्दी जो है वो हमारा विटामिन डी है, कैल्शियम है हमारे पास। सौंफ हमें बूटॉक्स करेगी और इन सब चीज़ों को स्किन पर स्टे करने के लिए हम एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये मैं पहले ही मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है जब हम इसके अंदर दूध और बाकी चीज़ें डालें तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी स्किन के ऊपर रैश कर जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह पाउडर मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे शहद। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें शहद का। अब हम इसमें डालेंगे दूध इतना जितना एक रनिंग फॉर्म में जो है ना मास्क बन जाए। ये आप देखें ये हमारा हो गया है मास्क तैयार। इसको मैं जादुई मास्क कहती हूँ। इसको लगाने के फौरन बाद ही आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। ये हफ्ते में दो बार आपने इस्तेमाल करना है। दूध आपकी नरिशिंग करता है, आपकी क्लेंजिंग करता है। दूध जो है वो आपको सिंपल खाली दूध ही आप ले लें तो आपको पता है हमारी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसमें जो सौंफ है वो आपका बूटॉक्स का काम कर रही है, ये ओपन पोर्स क्लोज करती है। और जो है हल्दी, जैसे हल्दी की तो आप बात ही इतनी फादियत है कि हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को ये हीलिंग करेगा हल्दी। और एंटीबायोटिक है जो हमारी स्किन आजकल रफ़ हो रही है, स्किन खुश्क होकर ड्राई होकर हो रही है, उसके लिए हमने इसमें हनी डाला है। हनी भी हमारी स्किन को हीलिंग करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है। अब हम इसमें चंद ड्रॉप्स जो है ना जोजोबा ऑयल के डालेंगे। ये आप देख सकते हैं
ये जुजुबा ऑयल है। जुजुबा ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और एंटी एजिंग है। जिनकी स्किन, जो लोग कहते हैं हमारी स्किन वक्त से पहले ढलक रही है, रिंकल्स आ रही हैं, वो खाली जुजुबा ऑयल को रात को मसाज करके सो जाती हैं तो उनके जो है स्किन की रिंकल्स जो हैं वो निकलने लग जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये इतना बेस्ट ऑयल है ना, इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, इतनी फ्लॉलेस हो जाएगी कि आपने कहीं जाना है फंक्शन पे, आप रात को ये मास्क तैयार करें, अप्लाई करें, वॉश करें, मॉइस्चराइजिंग करें। फिर वॉश करने के बाद आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और सो जाएं। ये हमारा मास्क रेडी हो गया है। इसको आप पूरे फेस पर लगाएं और 10 से 15 मिनट रहने दें। 10-15 मिनट के बाद आप हल्के हाथ के साथ, पानी के साथ इसको वॉश कर दें, टैप वाटर से। टैप वाटर से वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाकर रिलैक्स करके सो जाएं। सुबह आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल बूटॉक्स वाला रिज़ल्ट आया है। आपकी स्किन फौरन टाइट होगी, खूबसूरत हो जाएगी। जो बच्चियां हैं आजकल, उनकी स्किन डल हो रही है, रफ़ हो रही है, तो उनकी स्किन में भी एक ग्लो आ जाएगा, स्किन इवन टोन होगी और ग्लोइंग होने लग जाएगी। मेरी अगर रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।